मनाली मॉल रोड जो है वो आधा किलोमीटर है यहाँ से। ये देखो ये अलॉय में बेंड आ गया है। तो दोस्तों अभी बच गए हैं 8, बाइकें कर रहे हैं गरम। ये है दोस्तों होटल कमल। डिग्री दे देता हूं अटल टनल क्रॉस करके यहां पर लाहौल वैली का। क्या व्यू है यार, सामने पहाड़ी का व्यू देख लो। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के चैनल में। इसका नाम है मोहित दिल्ली वाला, मेरा नाम है मोहित सतीजा और वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है व्लॉग 3 डे 3 में मनाली सीरीज से। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम आज राइड पे जा रहे हैं जिस्पा, सीसू से होते हुए केलोंग और उसके बाद जिस्पा की राइड करेंगे। 3 घंटे अप्रोक्सीमेट ETA दिखाता है और हम मान के चल रहे हैं रुकते रुकाते 4 घंटे लगेंगे। रास्ते में आपको दिखाएंगे सीसू के, केलोंग के, जिस्पा के नज़ारे। तो अभी के लिए अपडेट यह है कि तैयारी हो चुकी है पूरी, हेलमेट चार्जिंग पे लगे हुए हैं, सेना हमारा बाबू जी भी इधर तैयार हो चुके हैं। टाइम हो चुका है 7:40 और सोचा था कि 7 बजे निकल जाएंगे, बट ठीक है अभी 8 बजे निकल के फटाफट से टनल क्रॉस करेंगे और राइड करेंगे आज जिस्पा की। और कल की अपडेट थोड़ी सी दे देता हूँ, हमने चेन वगैरह भी ल्यूब करा ली थी क्योंकि चेन ल्यूब जरूरी है अगर आप 500-600 किलोमीटर जैसे राइड करके आ रहे हो। तो चेन ल्यूब भी हमारी हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे एक दिक्कत आ गई है, वो ये है कि मेरी BMW का पीछे वाला जो टायर है उसका रिम हल्का सा अलॉय जो है वो बेंड हो गया। अभी दिखाता हूँ आपको। तैयारी पूरी कर ली गई है, जूते, राइडिंग शूज, राइडिंग पैंट, मेरी जो अल्पाइन स्टार की जैकेट है उसकी जिप जो है वो खराब हो गई है, बट ये कोलंबिया की जैकेट है मेरे पास और बहुत ही गर्म जैकेट है और विंड प्रोटेक्शन भी है इसमें और ठंड से भी बचाएगी। अंदर ज़बरदस्त इसके गर्मा गर्म ये लाइनर लगा हुआ है और नीचे मैंने पहन ली अपनी है गर्म स्वेटशर्ट, तो उम्मीद करते हैं कि ठंड से बच जाएंगे। तो ये अपने रूम की बालकनी से जो व्यू आ जाता है ना यार, सुबह सुबह मतलब यहाँ पर बैठो, वादियाँ देखो, हरियाली देखो और ये सुंदर सुंदर यहाँ पर रंग बिरंगे फ्लावर्स और उधर से धूप खिलते हुए लाहौल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जैसे मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था। और यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ व्यू। तो ये प्रॉपर नग्गर रोड पे ही है, थोड़ा सा हल्का सा अंदर आके और मनाली मॉल रोड जो है वो आधा किलोमीटर है यहाँ से। बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग। तो ये रूम का डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि आना जाना बहुत रहता है मेरा मनाली की तरफ, तो इसीलिए यहाँ पर रूम ले लिया गया है। और होटल के जो किराए हैं, रेंट हैं, रूम रेंट वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो अभी बस निकल रहे हैं जिस्पा की तरफ और देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस, आज कैसा रहेगा दिन। इससे पहले 2 व्लॉग्स डाले हैं, देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। तो दोस्तों अभी बच गए हैं 8 और निकलने की तैयारी पूरी है, बाइकें कर रहे हैं गरम, कोल्ड स्टार्ट और वापसी आना है, तो इसलिए बस ये एक कैरी बैग ले लिया है, बंजी कॉर्ड से बांध दिया है और इसमें रेन लाइनर वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें, पानी की बोतलें वो सब है। और मैं जो आपको दिखा रहा था वो है ये देखो, ये अलॉय में बेंड आ गया है, ये देखो पीछे वाले टायर में आ गया है। दोनों बाइकें हमारी रेडी, आपसे मिलते हैं अब रास्ते में। ठीक है जी, चलो जय माता दी और ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि टनल और टनल के बाद मिलने वाली है जबरदस्त ठंड। जिस्पा के लिए रास्ता केलोंग, केलोंग के बाद टनल, टनल के बाद सीसू, सीसू के बाद केलोंग, केलोंग के बाद जिस्पा। तो ये रूट ट्रेवल करेंगे और GPS को भी दिखा रहा है 93 किलोमीटर वहां से हमारा रूम है। तो ठीक है जी, टाइम अब हो गया है 9 बज गए हैं और यहाँ से हमने सोलंग से कर लिया है ब्रेकफास्ट और अब निकल रहे हैं सीधा टनल की तरफ और आगे
जिसका। चलो जी, जय माता दी। सोलांग से यहाँ टनल तक बहुत अच्छी खासी हाइट जो है वो गेन हो जाती है, तो यहाँ पर खड़े होके इस जगह पे फोटो वोटो खींचना मना है। चलो जी, जय माता दी। अटल टनल में बहुत बहुत स्वागत मोहित दिल्ली वाला के सुजन्य से। स्पीड लिमिट है 40, धीरे कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों अटल टनल, 9.46 किलोमीटर एक साइड। मोबाइल नेटवर्क चला जाएगा वहाँ, टनल के बाद एकदम आ जाएगा। तो ये थोड़ा ऊपर से व्यू दिखा देते हैं आपको अच्छे तरीके से टनल का, सैडलिंग करते हुए इस वक्त। तो दोस्तों ये आ गया है टनल का एग्जिट, और सीधा अब हम निकलेंगे लाहौल वैली में। स्वागत है लाहौल वैली में आप सभी का। ये देखो व्यू, इसे कहते हैं जबरदस्त व्यू। वहां आगे आगे वहां पर ब्रिज क्रॉस करते ही, तो ये चंद्रा ब्रिज है और रिवर का नाम चंद्रा है। आगे भागा मिलती है तो चंद्र भागा बन जाती है ये। इधर से रोहतांग का रास्ता खोखसर, और यहां से ले कारगिल श्रीनगर। यहां रुक के आप करो जितनी मर्जी फोटोग्राफी करो। दोस्तों अभी टनल क्रॉस करके रुके हैं और यहाँ पर थोड़ी फोटो वोटो खींच रहे हैं, और बहुत अच्छा स्पॉट है यहाँ पर। पीछे चंद्रा रिवर है, अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है जहाँ से निकल के आए हैं हम। और ये जो रास्ता जा रहा है, मतलब ब्रिज से अगर हम राइट ले लें तो ये रोहतांग चला जाता है। पहले रोहतांग से होके यही रास्ता आता था खोखसर होके, पलचान से गुलाबा, गुलाबा से रोहतांग, रोहतांग से खोखसर, खोखसर से यहाँ पर लाहौल में हम एंट्री करते थे, और इसके आगे सीसू। तो यहाँ से इस वक्त ये है नज़ारे, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ज़रूर आओ यहाँ पर अगर आप मनाली आ रहे हो तो, और आगे राइड कर सकते हो तो आगे भी ज़रूर करो। और ये रास्ता आगे से सीसू के लॉन्ग जिस्पा ले चला जाता है। और अगर आपको कश्मीर जाना है, करगिल जाना है, तो यहाँ से होते हुए टांडी से उदयपुर, उदयपुर से आगे कश्मीर की तरफ आप निकल सकते हो। तो ये है स्टेटस अभी, और बस थोड़ी देर में यहाँ से मूवमेंट करेंगे और आगे के नज़ारे आपको दिखाएंगे सीसू के और आगे के राइट के। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। व्लॉग्स पहले के भी देख लेना, व्लॉग 1 और व्लॉग 2, वो भी बहुत अच्छे डाले हुए हैं मनाली सीरीज के। ठीक है जी। तो ये रास्ता आप टनल क्रॉस करके जा रहा है सीसू की तरफ, और बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है ये। लैंडस्केप आप अगर खुद आओगे तभी समझ पाओगे, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई करेगा या नहीं। चंद्रा रिवर साथ साथ बहती हुई, और विंटर्स में एक अलग लुक है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, और समर्स में एक अलग डिफरेंट लुक आ जाती है, मानसून में एक डिफरेंट लुक आ जाती है। तो आप जब भी आना चाहो आ सकते हो, बट आओ जरूर। ये देखो क्या फ्लो है ओवर का, हाँ हाँ हाँ। और सड़कें बना रखी हैं मक्खन मक्खन, बोले तो मक्खन। यहाँ पर भी आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, टेंट वगैरह लगे हुए हैं अगर सीसू आके कैंपिंग करनी है तो। जितना सुंदर व्यू है उतना ही सुंदर रास्ता है, और बाइक चलाने का मजा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आ रहा होगा ब्लॉग देख के, और आप भी एनकरेज हो गए, मोटिवेट हो गए ऐसे ट्रैवल करने के लिए, बाइक राइड करने के लिए। और यहाँ से नीचे आप जाते हो तो यहाँ पर आई लव लाहौल का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, वहाँ फोटोग्राफी कर सकते हो। ये बेस है, यहीं से ऊपर जाके सीसू फॉल्स आती है यहाँ देखो, और ये सीसू लेक है जो आपको नीचे दिख रही है, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग्स में भी दिखाई थी। और वहां पर कैंपिंग आप कर सकते हो, और उधर सीसू फॉल्स, ये है सीसू का प्रॉपर बेस। टांडी रह गया 24 किलोमीटर, और टांडी से ही केलोंग का कट आता है, या फिर आप पूरेपुर की तरफ त्रिलोकीनाथ की तरफ जा सकते हो। ये देखो जी व्यू,
क्या व्यू है यार, हर जगह पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़, और हल्की मीठी सी धूप और तेज हवा। हवा का आप इससे अंदाजा लगा लो कितनी तेज चल रही है। एक ड्रीम जगह है, ड्रीम जगह जैसे सपनों में आती है ना, पहाड़ों में छोटे छोटे से कलरफुल घर, स्टैचू 119, छोटे छोटे से घर हो, और ऐसे वादियों के बीच में, हरियाली के बीच में, कुछ इस तरीके के सपनों की जगह आपको दिखाते हुए आपका मुंह है दिल्ली वाला। ये टांडी के लिए जो रास्ता है वो अब नीचे उतर जाता है, सीसू क्रॉस करके पहले चढ़ता है रास्ता ऊपर पहाड़ी, और टांडी के लिए ये ऑल्टीट्यूड जो है वो नीचे हो जाता है। तो अभी नीचे उतर आए हैं, वो टांडी रह गया है 8 या 9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और टांडी से कट लेंगे हम जिस्पा के लिए, आर्मी कैंप। उसका ट्रेनिंग चलते हुए यहाँ पर आलू विकास केंद्र देख रहे हैं ऋषभ, मैंने बताया था ना, यहाँ पर यहाँ के आलू सबसे ज्यादा लाहौल के फेमस हैं दोस्तों। बहुत ही हाई क्वालिटी आलू जो है वो यहाँ पर पैदा होते हैं लाहौल में, और बाहर जो है एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से आलू। तो टनल बनने के बाद बहुत आसान हो गया है टिस्पा जाना, नहीं तो पहले रोहतांग क्रॉस करने करने में 3 घंटे लग जाते थे। 10,170 फीट का ऑल्टीट्यूड है सीसू, यहाँ पर जिस्पा से 3-4 किलोमीटर पहले ही सारे ये कैंप शुरू हो जाते हैं, चाहे जिस्पा वैली कैंप हो, और बहुत सारे ऐसे कैंप जो रिवर साइड हैं। तो यहाँ पर जिस्पा में रुकने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, होम स्टेज है, और जगह जगह आपको कैंप दिख जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी होम स्टे है, जिस्पा हाउस होम स्टे। क्या व्यू है यार, सामने पहाड़ी का व्यू देख लो, कितना बड़ा पहाड़ है यार ये। ऑल विल वेट बेटर बी लेट, आराम से चलाओ, दुनिया वेट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पहुंच गए जिस्पा 12 बजे। जी तो मोहित दिल्ली वाला रिपोर्टिंग फ्रॉम जिस्पा नाउ, और ये माहौल है, हवा चल रही है बहुत तेज, और पहुंच गए हैं, 12 बजे हैं, 9 बजे सोलांग से निकले थे, और स्टिंगरी पे हमने एक ब्रेक लिया था आधे पौने घंटे का, और पहुंच गए हैं जिस्पा। कैसी राइड रही है बाबूजी? अमेजिंग राइड, वंडरफुल रोड्स, ब्रेथ टेकिंग व्यूज, मतलब ऐसा नजारा आज तक तो अभी तक देखा नहीं। बस ऐसे ही ले करना है, तो ले की प्लानिंग मैंने आपको बतानी थी, वो हमारी हो गई है। 27th of August को हम निकल रहे हैं ले की तरफ, और 2 हफ्ते का हमारा ट्रिप रहेगा अप्रोक्सीमेटली। 7 सितंबर मेरा बर्थडे होता है, तो वो होपफुली वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे हम पैंगोंग पे। ये है ले की प्लानिंग, और अभी आज की राइड यहाँ जिस्पा तक की ही है, और आगे नहीं जा रहे हैं। जाने को जा सकते हैं दारचा से होते हुए शिंकुला पास, बट फिर आते आते शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो उसको आज अवॉइड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, एक 360 डिग्री दे देता है आपका मोहित दिल्ली वाला। उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग्स जो हैं पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मोहित दिल्ली वाला, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी के लिए यहाँ पर इंजॉय करते हैं, थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं,
और हवा खा लेते हैं मस्त जिस्पा की।